भोपाल के वरिष्ठ समाजसेवी दादा निर्मल कुमार केसवानी की प्रथम पुण्यतिथि पर खटलापुर स्थित श्री राम मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के मंत्रियों और समाजसेवियों ने श्री राम मंदिर पहुंचकर दादा निर्मल केसवानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी और व्यवसायी धीरज केसवानी अपने पिता को याद कर भावुक हो गए। वरिष्ठ समाजसेवी दादा निर्मल कुमार केसवानी की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और कृषि मंत्री कमल पटेल ने दादा निर्मल केसवानी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा, सुसनेर विधायक राणा विक्रम सिंह, भाजपा महामंत्री भगवान दास सबनानी, पूर्व जिला अध्यक्ष विकास वीरानी ने भी दादा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में सुंदरकांड पाठ के साथ खटलापुरा के किनारे मछलियों को चारा देने की भी समुचित व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में पधारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सुंदरकांड पाठ में भाग लिया। उन्होंने पाठ करते हुए भगवान राम के चरणों में सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों ने छोटे तालाब के किनारे खड़े होकर मछलियों को दाना खिलाया, साथ ही दादा केसवानी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दादा निर्मल कुमार केसवानी सत्संगी स्वभाव के थे, वे आम लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।